हे दिस इज़ कामिल एंड यू वॉचिंग कैम डिज़ाइन। तो आज की जो वीडियो होगी वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप कोई शादी या वेडिंग की ब्राइड एंड ग्रूम की फ़ोटोज़ को VSDC वीडियो एडिटर में कुछ इफ़ेक्ट लगा के एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फ़ोटोशॉप का भी थोड़ा सा यूज़ होगा। तो VSDC प्लस फ़ोटोशॉप, और मैं केवल वीडियो VSDC से भी बताऊँगा। तो वीडियो आप पूरी देखें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें टू गेट TTT टिप्स ट्रिक एंड ट्यूटोरियल। सो विदाउट मेकिंग एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। हेलो दोस्तों, तो मैं जो आपको बताऊंगा, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि मैंने जो वीडियो एडिटिंग की है वेडिंग के लिए, मतलब एक कपल के साथ मैंने कुछ इफ़ेक्ट्स लगा के गाने लगाए हैं। ठीक है, तो ये देखिए सॉन्ग मैंने लगाए हैं। ठीक है, अब ये मैंने लगा दिया, मगर इसको मैं स्टार्टिंग में इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि ये कॉपीराइट की वजह से मेरा इशू आ जाएगा। ठीक है, कॉपीराइट की वजह से ये स्ट्राइक आ जाएगा, स्पेशली मैंने लगाया नहीं, मैंने आपको बस बजा के इस बीच में दिखा दिया। आप कोई भी सॉन्ग लगा सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि आपको वो एज अ मतलब कंटेंट आपको कहीं पब्लिश नहीं करना है। अब मैंने पब्लिश किया यूट्यूब पे, इसलिए मुझे कॉपीराइट का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तरीका जो बताऊँगा वो आपको फ़ोटोशॉप की हेल्प से बताऊँगा। ठीक है, आपको फ्रेम्स डाउनलोड करने इस तरह से। ठीक है, तो फ्रेम्स डाउनलोड करने, आप फ्रेम डाउनलोड कर लें, और जो फ़ोटोशॉप अगर आप चलाना जानते हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान है इस फ्रेम्स की PNG बनाना। ठीक है, अगर इस तरह का फ्रेम आप डाउनलोड करते हैं तो PNG फ़ोटोशॉप में बना सकते हैं, नहीं तो आप, ये मैं बताता हूँ, साइट है ये PNGimagesfree.com। ठीक है, PNGimagesfree.com, इस साइट पे जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको PNGs मिलेंगी। ठीक, फ़ोटोशॉप में ये मैंने 2-3 PNG बनाई थी। ठीक है, तो आप भी इस तरह की PNG क्रिएट कर सकते हैं फ़ोटोशॉप में अगर आपको आता है, नहीं तो आप डाउनलोड कर लीजिए गूगल की हेल्प से। ठीक है, आप मान लीजिए आपने ये कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद आपको इसमें लाना है VSDC में और फिनिश। ठीक, अब VSDC में आपको लाना है, एक फ्रेम आपको लाना है जो फ्रेम आपने बनाया हो। ठीक, तो मैं इसमें एक फ्रेम उठाता हूँ अपना, मान लीजिए ये फ्रेम मैं उठाता हूँ। ठीक, ये फ्रेम मैंने उठाया और रख दिया। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड ब्लैक आ रहा है, मतलब ये हमारी PNG फाइल है। तो अब इसमें हम इमेज लगा सकते हैं और इफ़ेक्ट वगैरह जो भी लगाना हो लगा सकते हैं। तो अब मैं एक ब्राइड एंड ग्रूम की इमेज लाता हूँ जो मैंने डाउनलोड किया था। अभी मैं एक साथ दिखाऊंगा और फिर अलग अलग भी मैं आपको एक बना के दिखा दूंगा। ठीक है, तो शॉल इंडियन ब्राइड MH3 सिक वेडिंग कपल। ठीक है, तो ये हमारे कपल आया है। अब इसको मैं इसमें ड्रॉप करता हूँ। ठीक, ये हमारे कपल इसमें ड्रॉप हो गए। तो अब कपल को हमें इस हार्ट शेप के अंदर रखना है, और ये ब्लैक ब्लैक हार्ट है, ये ब्लैक हार्ट है, इसको भी बंद करना है। ठीक है, तो पहले हम कपल को एडजस्ट करते हैं, इसको हम नीचे लाते हैं, नीचे यहाँ से भी ला सकते हैं ये ड्रॉप डाउन से। ठीक है, अब ये चीज़ आप फोटोशॉप में भी बना सकते हैं बहुत आसानी से, उसमें ही इमेज कपल पर लगा लीजिए, जो भी लगाना लगा लीजिए, और फिर इसमें ला के कुछ इफ़ेक्ट और सॉन्ग्स लगा सकते हैं आप VSDC में। ठीक है, तो मैं फ़ोटोशॉप बहुत लोग हो सकता ना जानते हो, तो इसलिए मैं डायरेक्ट इसी में बता रहा हूँ कि किस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो अब इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ और ऊपर वाली लेयर को मैं लॉक करता हूँ, यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे लॉक हो गई, ताकि हम नीचे वाली लेयर को जिस तरह भी चाहें उस तरह एडजस्ट कर सकें। ठीक, घुमाइए,
ठीक है, तो ये हमारा सेट हो गया। ये बाहर जो जा रहा है उसकी चिंता मत करिए, क्योंकि वो तो गैप हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, जैसा मैंने अभी आपको वीडियो दिखाया था। अब ये हमारा सेट हो गया। आपको टेढ़ा ना करना हो तो आप सीधा ही रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब ये इसमें हार्ट लगा देते हैं हम, तो हार्ट की भी PNG मैंने डाउनलोड कर रखी है, हार्ट वेडिंग आइकॉन, ठीक है, ये PNG मैंने डाउनलोड की। तो अब इस PNG को मैं इसमें गिराता हूँ, ठीक, और अकॉर्डिंग टू दिस मैं इसको एडजस्ट करूँगा। इतना बड़ा भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक, और इसको थोड़ा सा टर्न किया और थोड़ा इसको और एडजस्ट किया। ठीक, तो ये मैंने कर लिया। अब इसकी एक कॉपी ले ली मैंने, कॉपी पेस्ट। अगर ये सेम फाइल आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए होगी तो मेरे को बताइएगा, मैं कमेंट अगर आता है तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में सारी फाइल्स, सारी इमेजेस डाल दूँगा। तो ये मैंने सेट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, एक इफ़ेक्ट लाना है, तो इफ़ेक्ट भी आप ला सकते हैं, ठीक है। आप टाइप करिए वेडिंग वीडियो इफ़ेक्ट्स, इफ़ेक्ट फ्री डाउनलोड, ये करेंगे आप वेडिंग इफ़ेक्ट्स वीडियो फ्री डाउनलोड, तो यहाँ से आपको तरह तरह के इफ़ेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें भी आइए, सब खोल खोल के ओपन कर करके आप देख लीजिएगा, जहाँ पे आपको इफ़ेक्ट लगेगा मिलेगा वहाँ से इफ़ेक्ट को उठा लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये सब इफ़ेक्ट हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए, अब ये इफ़ेक्ट डाउनलोड करूँ मैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है, मान लीजिए इसको मैं डाउनलोड करूँ फ्री, तीन दो, देखो अगर प्रीमियम लोग है तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है भाई, सभी अपना धंधा चला रहे हैं, तो उसको डाउनलोड होने देते हैं। तब तक हम एक दूसरा इफ़ेक्ट है हमारा, वो हम लाते हैं, ये इफ़ेक्ट, ठीक। ये इफ़ेक्ट भी मैंने डाउनलोड किया था इसी तरह से। अब ये इफ़ेक्ट मैंने ऊपर गिराया, ठीक है, ये देखिए, ठीक ठीक है। अब उस इफ़ेक्ट को भी लाते हैं जो हमने डाउनलोड किया है, देखते हैं क्या इफ़ेक्ट देता है ये। ये लाया हमने, ये यहाँ पे गिरा दिया, ठीक है। आ जा भाई, आ जाओ, ऑफ मत हो जाना। ठीक, तो इसको हम सबसे ऊपर, अगर इस इफ़ेक्ट को रखें सबसे ऊपर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका ब्लेंडिंग मोड को अगर हम स्क्रीन कर दें, ठीक है, तो इसमें कुछ फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा। स्क्रीन करने से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे हम फोटोशॉप में स्क्रीन करते हैं
तो ब्लैक वाली चीज़ जो होती है वो रिमूव हो जाती है और केवल जो रहता है उसमें चलो कोई बात नहीं स्क्रीन वो कोई मतलब नहीं है। चलो इनको सबसे नीचे रख लेते हैं। ओहो इसमें लगा रहा था क्या मैं, सबसे ऊपर आओ इसमें स्क्रीन लगा के देखूँ मैं। मैं उसमें स्क्रीन लगा रहा था इस वाले में गलती से फाइल सेलेक्ट करके, तो भाई उसमें क्यों लगेगा, वो तो ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट है ना बैकग्राउंड। तो ये देखिए अब इसमें मैं क्या कर लेता हूँ, डाउनलोड एक करता हूँ मैं म्यूज़िक रोमांटिक बैकग्राउंड म्यूज़िक फ्री, ठीक है। अब ये रोमांटिक बैकग्राउंड म्यूज़िक फ्री डाउनलोड करूँगा मैं सारा, देखिए फ्री करिए ताकि आपके, अगर आप बना रहे हैं यूट्यूब पर्पस के लिए तो आप पे कोई वो ना आए स्ट्राइक वगैरह, ठीक है। हम देखते हैं, चलो कर लेते हैं इसको डाउनलोड, फ्री डाउनलोड। वेटिंग फॉर कैश, अब ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक ये डाउनलोड ऑलमोस्ट हो गया। तो अब इसको हम वहाँ पे लगाते हैं। अब इसको मैं अपने VSDC में लगा दिया, ठीक है। इसको मैं वहीं पे एडजस्ट कर दूंगा, होगा वही क्यों परेशान हो, ठीक है। तो ये एडजस्ट कर दिया, अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ। चलो इसको एक्सपोर्ट करते हैं तब देखते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं डाल दूंगा इसको, इस वाली वीडियो को मैं स्टार्टिंग में डाल दूंगा क्योंकि मैंने तो गाना लगाया था और वो मैं डाल नहीं सकता। तो इसको मैं, चलो नेम चेंज करता हूँ थोड़ा, चेंज द नेम एंड वेट, ठीक है। कन्वर्जन में गया, स्टार्ट कन्वर्जन कंटिन्यू, ठीक है। तो वो कन्वर्जन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोटोशॉप में मैं आपको एक बता देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर रिमूव फ़ोटोशॉप में करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। तो मैं एक पहले अपनी PNG उठाता हूँ और ब्राइट वाला ये मैंने उठाया, ये मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। और मैं ग्रूम को भी ले आता हूँ, ब्राइट को ले आया, इंडियन ग्रूम, ठीक। चलो
सेव किया मैंने इस इमेज को। जेपैक ठीक है, तो इसको मैं चलो ओके करता हूँ। मैं अभी इसको एडजस्ट कर लेंगे, अभी दिखाता हूँ मैं किस तरह मैंने एडजस्ट किया है। एंड देन यू हैव टू पिक वेदिंग कंट्रोल, जैसे डाउनलोड में चले जाएंगे, ये फ़ोटो हम उठा लेंगे ग्रूम की, ठीक है, ये हमने यहाँ पे ड्रॉप कर ली। अब इसको जो है हमारी जीरो लेयर जो है ये सबसे ऊपर रहेगी, ठीक, और एक को पहले मैं ऑफ़ करता हूँ इसको, और ग्रूम को एडजस्ट कर लो, ठीक है, कंट्रोल टी करो, छोटा करो, हल्का से मोड़ो, ठीक, ऑल्ट बड़ा करो इसको, ठीक, ये हो गए। तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये ग्रूम हो गया एडजस्ट। अब ब्राइट को इनेबल करते हैं, कंट्रोल टी ब्राइट, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, ठीक, इसको मैंने किया और छोटा। अब इसको यहाँ ले गया मैं, इसको मैंने ठीक ये एडजस्ट कर दिया, ठीक है, तो ये ब्राइट ग्रूम एडजस्ट हो गए। इसी तरह आप सारे फ्रेम को बना सकते हैं इसी तरह अपने, ठीक है। अब इसमें अगर बनाना हो या उस फ्रेम में बनाना हो, आपने फ्रेम बना लिया, अब जैसे फ्रेम बना लिया आपने, अब इसको सेव कर लीजिए और वहाँ ले जाके अपना इफ़ेक्ट लगा दीजिए, ठीक है। तो ये है डाउनलोड शॉट्स। तो हमारा वेडिंग वाला जो है वो तो हो रहा है, मैं स्टार्टिंग में लगा दूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारे लिए इतना ही है, और अगर इसमें कुछ ना समझ में आया हो तो बताएं। वेडिंग पे और एडिटिंग भी चीज़ें हैं जिसमें आप इफ़ेक्ट वगैरह लगाइए, ट्रांजिशन वगैरह, तो वो सारी चीज़ें भी धीरे धीरे देखेंगे, ठीक। आप लोगों का रिस्पांस उतना नहीं आता, इसलिए थोड़ा मोटिवेशन नहीं मिल पाता, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना रिस्पांस ज़ोर शोर से दें ताकि थोड़ा मोटिवेशन आए, चैनल भी मोनेटाइज हो, सब चीज़ें हों, ठीक है, जिससे मुझे और भी मज़ा आए करने में। तो आज की वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए धन्यवाद।